हम डिस्कशन करने जा रहे हैं आज से एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो या तो हम सभी को मालूम है कि मैटर किससे मिलके बना हुआ है। सो मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। तो ये जो एटम का जो परिकल्पना था, यानी एटम है क्या चीज, तो इसका कहीं ना कहीं सबसे पहली बार ऑन पेपर कुछ डिस्क्रिप्टिव वे में जो डिफाइन किया गया बेस्ड ऑन हिज एक्सपेरिमेंट, वो थे मिस्टर जॉन डाल्टन। और उन्होंने क्या बताया था, सो एज पर जॉन डाल्टन, क्या डिस्कस किया था उन्होंने कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इससे छोटा दुनिया में कुछ भी नहीं है। और स्मॉलेस्ट के अलावा उन्होंने एक और वर्ड ऐड कर दिया था, फंडामेंटल। एज पर जॉन डाल। और बच्चों मैं बता दूं ये कहानी कब शुरू हुई है आपकी, ये जो स्टोरी का स्टार्टिंग है वो है 1808। यू कैन इमेजिन मोर देन 200 इयर्स बैक, जब हमारे पास किसी भी तरह का कोई विशेष इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं था, ये तब की बात है, यानी ये तब से ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, तो एटम के बारे में क्या यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है कि एटम एक फंडामेंटल पार्टिकल है। एटम इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द मैटर। बच्चों ये जो फंडामेंटल पार्टिकल से क्या समझते हैं आप लोग, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फंडामेंटल, कि इससे कोई छोटा चीज नहीं है। तो अगर एटम की बात इनके शब्दों को समझा जाए, तो एटम से मिलकर के पूरी दुनिया बनी हुई है, लेकिन एटम खुद किसी और चीजों से नहीं मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसको फंडामेंटल बोला गया। मतलब इससे छोटा चीज आप नहीं सोच सकते, इसी के रिपीटेशन से ही पूरा मैटर बना हुआ है। इसमें गड़बड़ क्या था भाई, इनके स्टेटमेंट में क्या गड़बड़ी है? इनके हिसाब से एटम इज इनडिविजिबल, आप एटम को डिवाइड नहीं कर सकते हो। इसको भी किसी भी तरीके से डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज आपको मालूम है कि नहीं सर, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है, सर एटम के अंदर प्रोटॉन भी होता है, और एटम के अंदर न्यूट्रॉन भी होता है। लेकिन भाई आज के टाइम पे ये भले आपको ये सारी चीजें मालूम हो, लेकिन आखिर प्रॉब्लम क्या था? क्या जॉन डाल्टन के पास ऐसा कोई चीज नहीं था जिससे वो एटम देख पाते? तो बच्चों एटम का डायमेंशन अगर आप पूछो मेरे से, तो एटम का डायमेंशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम होता है। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब ये 10^-10 मीटर, या यूं कह लीजिए 10^-8 सेंटीमीटर। ये इतना छोटा है ना, ये इतना ज्यादा छोटा है कि इसके इसको देखने की कल्पना हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से भी नहीं कर सकते। माइक्रोस्कोप का यूज करके आपने 9th-10th के सिलेबस में अगर आप कभी लैब लेबोरेटरी गए हो, तो आपने देखा होगा कि माइक्रोस्कोप का यूज करके आप सेल देखते हो। बच्चों सेल खुद में कई सारे हजारों करोड़ों लाख, मतलब उनकी गिनती नहीं की जा सकती, इतने नंबर ऑफ एटम्स उस सेल के अंदर होते हैं। तो आखिर भाई ये फिर पता कैसे चला कि यार एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, एटम के अंदर प्रोटॉन है? इस सीरीज में जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता है, वो माना जाता है बच्चों कैथोड रे एक्सपेरिमेंट का, जो पहली बार कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसेस को हाईलाइट किया गया। वो क्या था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब क्या है भाई ये कैथोड रे या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, तो मैं आपके सामने यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। सो उस हालांकि ये बहुत मतलब इसका इस एक्सपेरिमेंट का कभी भी ये पर्पस नहीं था कि एटम को ब्रेक किया जाए। इसका पर्पस था, ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का पर्पस ये था, जब ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था वर्ल्ड के बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के द्वारा, जो कि चेक करना चाहते थे
गैसेस के अंदर जो गैस पार्टिकल हैं, जैसे जो ऑक्सीजन है, जो नाइट्रोजन है, जो भी नेचर में उस समय गैसेस मालूम था लोगों का, उस गैस में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेक कर रहे थे कि मतलब भाई जैसे आप आयरन रॉड को एक साइड लगा दो, दूसरे साइड लगा दो और इधर से उसको पावर दे दो, तो यहाँ पे सर्किट कंप्लीट कर दो बच्चों, तो यहाँ पे आपको करंट आएगा। उसी तरीके से इसमें सोचा जा रहा था कि भाई अगर गैसेस हम अंदर रख लें तो उसमें करंट आएगा या नहीं, इसी का पूरा पूरा एक्सपेरिमेंट था। तो एक्सीडेंटली इसके अंदर हुआ क्या वो मैं आपके सामने शो करता हूँ। तो ये इस तरह का कुछ ट्यूब था बच्चों, ये मैं आपको एनिमेशन के माध्यम से कल के क्लास में आपको दिखाऊंगा भी, तो मिस मत करिएगा, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। ये कुछ इस तरह का अरेंजमेंट था जहां पे, यहाँ पे यूं बोल लीजिए कि ओपनिंग है एक तरह का, जिसको स्टॉपर के मदद से रोका गया है। इसी के सहारे हम लोग अलग अलग गैस इसमें भर रहे हैं, कभी ऑक्सीजन भर रहे हैं तो कभी नियॉन भर रहे हैं, कभी आर्गन भर रहे हैं, और इसको कनेक्ट कर दिया गया था मल्टीपल सोर्सेस ऑफ बैटरी से, और वो भी वेरिएबल जिसका वोल्टेज हम बढ़ा घटा सके। ये जो साइन लगाया गया है ऐसे करके भी, इसको हम बढ़ा घटा सकते हैं। तो कभी भी ये इस तरीके से जितनी सारी चीजें हो रही हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें जितना मर्जी उतना हम बैटरी आपस में सेटअप कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसके अंदर कोई हमने गैस ले लिया, से फॉर एग्जाम्पल हमने नियॉन ले लिया, तो बच्चों हो क्या रहा था, क्योंकि इसके अंदर गैस है, और अगर आप ये समझे तो ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी बोलते हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल। ये करता क्या है, ये जो प्लस वाला एंड है, ये इस वाले प्लेट को, ये जो प्लेट यहाँ पे लगा हुआ है या ये जो टर्मिनल लगा हुआ है, इसको ये पॉजिटिव चार्ज बना देता है। और ठीक उसी तरीके से बच्चों ये जो नेगेटिव वाला आप देख रहे हो एंड, ये नेगेटिव वाली चीजें इसको नेगेटिव नेगेटिव बना देता है। तो अब ये प्लस और माइनस बन चुका है। अब कर क्या रहे हैं हम, बैटरी बढ़ा रहे हैं, मतलब यहाँ पे पावर बढ़ा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में देख रहे हैं कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। एमीटर, एमीटर क्या होता है भाई, अब ये एमीटर क्या है? एमीटर एक करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है बच्चों। इसके अंदर अगर आप कभी लेबोरेटरी में विजिट करें तो इसके अंदर ऐसा आपको इंडिकेटर लगा होता है, अगर जब भी उसके अंदर करंट जाएगा तो ये थोड़ा बहुत हिलता डुलता है। ठीक है, करंट मेजरिंग एमीटर ये लगा करके चेक कर रहे हैं कि भाई हम इधर वोल्टेज बढ़ाया जा रहे हैं, बढ़ाया जा रहा है, इधर कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं हो रहा है। लेकिन बढ़ाते 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 एक टाइम ऐसा आया कि अचानक से इसके अंदर से उन्होंने रेडिएशन देखा, ऐसा लगा कि कोई लाइट टाइप में इसमें से आ रहा है। और वो अपीयरेंस किस तरह का आया, वो ऐसा लगा जैसे कि वो जो लाइट का ट्रेवलिंग हो रहा है, वो ऐसा लगा जैसे ये सामने वाले प्लेट से आ रहा हो। कब मिला बच्चों ये? बहुत ज्यादा वोल्टेज जब यहां कर दिया तब मिला। और ये जो लाइट निकल के आया, मैं आपको और बता दूं ये बात कि इस प्लेट को जो इधर है इसको बोलते हैं कैथोड, और ये जो प्लेट इधर है इसको बोलते हैं एनोड। राइट, तो ऐसा लगा लोगों को कि यार कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जैसे कि ये कैथोड से कुछ निकल के आ रहा हो, इसलिए उसका नाम लोगों ने स्टार्टिंग में कैथोड रे रख दिया। अब भाई इस पे बाद में फिर ये इस पर्टिकुलर चीज पे एक्सपेरिमेंट होने लगे कि ये जो निकल के आ रहा है ये लाइट, क्या ये वास्तव में लाइट ही है? आपको फिजिक्स में सर ने बताया होगा कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में, आपको सर ने डिस्कस किया होगा कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसमें अलग अलग वेवलेंथ होते हैं। तो खैर कहीं ये वो तो नहीं है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो लाइट प्रोड्यूस हो रहा है वो इनमें से निकलने वाले कुछ पार्टिकल्स के वजह से हो रहा है, और इतना तेज वो टकरा रहे हैं कि उसके वजह से हीट लॉसेस वगैरह हो रहा है?
तो ये जो लाइट का अपीयरेंस आ रहा है अंदर अंदर, आखिर वो किसकी वजह से है? तो जब एक्सपेरिमेंट होने लगा तो इन सभी में आपने अगर मैं बात करूं तो ये मैं कैथोड को थोड़ा बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों इस बार, एनोड को भी थोड़ा बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और इस बैटरी को भी मैं ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ये जो बैटरी है इसको ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ये लगभग लगभग आप मान के चलो कि 10 किलो वोल्ट से भी ज्यादा इसका वोल्टेज रखा गया था यहाँ पे। तो ये जो लाइट आखिर निकल के आई, इसके बारे में तरह तरह के एक्सपेरिमेंट होना शुरू हो गए। पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो ये था कि अगर इसके बीच में अगर हम फ्लाईव्हील रख दे, बहुत लाइट वेटेड फ्लाईव्हील, ठीक है, सामने रख दें, तो ये देखा गया कि यार ये स्पिन होने लगा, पूरा ऐसा घूमने लगा। जब हम इधर से कर रहे हैं तो ऐसा घूमने लगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डेफिनेटली जरूर कोई ना कोई पार्टिकल इस पे टकरा रहा होगा, और जिसके वजह से क्या हो रहा होगा, इस पे फोर्स लग रहा होगा बच्चों, और जब फोर्स लगेगा इस पे तो ये गोल गोल घूमना चालू करेगा। इससे ये मालूम चला, ये बीच में रख देने से और इसके रोटेट करने से ये समझ में आया कि ये जो इधर से आ रहे हैं पार्टिकल्स, ये जो इधर से कुछ भी आ रहा है वो लाइट सोर्स के अंदर कुछ और नहीं बल्कि क्या है, पार्टिकल्स है। अच्छा, उसके बाद और देखा गया कि यार ये शेडो कास्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे पीछे जैसा इसका ओवरऑल शेप एंड स्ट्रक्चर है उस तरह का यहाँ पे शेडो आ रहा है। तो इससे ये मालूम चला कि यार कैथोड रे के जो पार्टिकल्स हैं ये स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। तो अभी तक हमें दो चीज मालूम चला कि ये असल में पार्टिकल्स हैं, दूसरा क्या मालूम चला कि ये स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। तीसरा और बड़ा और इम्पोर्टेंट चीज इसके अंदर मालूम चला बच्चों, वो ये था जब इसका एग्जामिनेशन करने लगे कि आखिर जो पार्टिकल होता है वो कितने तरह का होता है। बच्चों पार्टिकल होता है वो पार्टिकल प्लस भी हो सकता है, वो पार्टिकल नेगेटिव भी हो सकता है, पार्टिकल न्यूट्रल भी हो सकता है, कोई भी चीज पॉजिटिव भी हो सकती है, कोई भी चीज बच्चों नेगेटिव भी हो सकती है, और कोई चीज न्यूट्रल भी हो सकती है। आखिर इनमें से ये है क्या, ये प्लस है या ये माइनस है या फिर ये न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इसको कैसे मालूम करें? तो इसका पता करने का दो तरीका है, क्योंकि ये जो प्लस और माइनस होता है ना, अगर इनके रास्ते में आप मैग्नेट लगा दो उसका अच्छे से अरेंजमेंट करके, तो मैग्नेट में इनका डायरेक्शन अलग अलग तरीके से जाएगा, न्यूट्रल पार्टिकल कभी भी उस मैग्नेट में डिफ्लेक्ट नहीं होता। दूसरा और तरीका है, अगर आप यहाँ पे अलग से एक और इस तरह का प्लेट इकट्ठा कर लो, इस तरह का एक और प्लेट इकट्ठा कर लो, ये चार्ज यहाँ पे नेगेटिव होगा, मैंने यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग कर दिया था, यहाँ माइनस माइनस होगा। इस तरह का और एक अगर प्लेट आप इकट्ठा कर लो बच्चों, जिधर एक प्लस 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 कर लो, इधर माइनस माइनस माइनस, तो भी अगर ये चार्ज प्लस है बच्चों तो ये इधर से रिपेल हो करके प्लस है तो इधर की तरफ जाएगा, अगर माइनस है तो ये माइनस प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो सीधा ना जाने के बजाय ऐसे नीचे जाने लगेगा। तो ये कुछ फिजिक्स से रिलेटेड तरीके हैं, चूंकि वो लाइट है तो किधर की साइड बेंड हो रही है वो साफ साफ दिखाई दे देगा। तो यही चीज किया गया, इस चीज का फर्दर एग्जामिनेशन करने के लिए इसको मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा गया। अब ये मैग्नेटिक फील्ड, आप इन शॉर्ट आप ऐसा समझ लो मैग्नेट, चुंबक देखा है ना घर में लोगों ने, तो उसको इस तरीके से रखा गया जिससे कि जो उसमें से मैग्नेट से निकलने वाले जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, कुछ इस तरीके से रखा गया बच्चों, कुछ इस तरीके से रखा गया कि एक पोल इधर और एक पोल इधर आए, ताकि जो भी मैग्नेटिक लाइंस हो वो, और ये चीज को मैं, आप ये समझ लीजिए कि नॉर्थ पोल बाहर है और साउथ पोल अंदर की तरफ है, तो कुछ इस तरीके समझ लीजिए। इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं फिजिक्स के भाषा में, इसको ऐसा क्रॉस क्रॉस रिप्रेजेंटेशन करते हैं।
और ये क्रॉस रिप्रेजेंटेशन मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। ये क्रॉस का मतलब क्या है, रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड, किसका, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन, जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड perpendicular to plane and moving inside the plane या heading towards, heading inside the plane। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि ट्वेल्थ में आपको मैग्नेटिज्म के अंदर पूरा पूरा बढ़िया से इसको समझाया जाएगा, ये फिजिक्स का टॉपिक है, तब आपको और मजा आएगा। फिलहाल आप, मैं जो बता रहा हूँ उसको समझिए। और यहाँ पे बच्चों एक स्क्रीन रख दिया जाता है, केमिस्ट्री में बहुत पॉपुलर स्क्रीन है, उस ऐसा स्क्रीन है जिसमें बच्चों ZNS की कोटिंग होती है, जिंक सल्फाइड की कोटिंग करते हैं। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग मटेरियल है, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि ये पूरी कोटिंग रहती है उस पे जिंक सल्फाइड की। ZNS कोटेड, ZNS कोटेड रहता है। तो बच्चों ये जिंक सल्फाइड की कोटिंग रहती है इस पे। अब क्या होता है, अब आप समझिए, यहां पे अगर कोई पार्टिकल, मतलब एक प्लस को मैं ले लूं और एक न्यूट्रल को ले लूं और एक नेगेटिव को ले लूं, एन का मतलब बच्चों न्यूट्रल है, ठीक है, नेगेटिव का मतलब किसी पे नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों जो प्लस है, जो प्लस का मूवमेंट अगर ये सीधे जा रहा है ना, तो जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड में घुसता है वैसे ही बच्चों ये टर्न करते 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 ये बिल्कुल इधर की तरफ चला जाता है। जो न्यूट्रल है उस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है मैग्नेटिक फील्ड में, वो बिल्कुल सीधा जाके टकराता है। और जो नेगेटिव है बच्चों, वो जैसे ही मैग्नेट के फील्ड में घुसता है वैसे ही वो, तो आप यूं कह लो कि ये नेगेटिव, अगर कोई चीज नेगेटिव है तो वो यहां टकराएगा, कोई चीज पॉजिटिव है तो इस ZNS प्लेट के ऊपरी भाग में जाएगा, और कोई अगर न्यूट्रल है तो बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधा चला जाएगा। तो अगर यहां कोई चीज टकराता है तो ये न्यूट्रल जोन है बेटा, और इसके ऊपर वाला चीज पॉजिटिव, इसके ऊपर नहीं। तो अगर इन पार्टिकल्स को, ये जो पार्टिकल्स निकल के आ रहे हैं, इसी बीच में अगर मैग्नेट का अरेंजमेंट कर दिया जाए बिल्कुल इस तरीके से, अगर ये पार्टिकल्स किसी सीधा सीधा निकल जाते हैं तो उससे ये कंफर्म हो जाएगा कि उस पार्टिकल्स पे कोई चार्ज नहीं था, उस पार्टिकल पे कोई चार्ज नहीं था। दूसरा बच्चों, दूसरा अगर इसमें ये उस डायरेक्शन में जाता है जिधर, यानी ऐसी जगह पे जाके टकराने की कोशिश करता है, या उसका डिफ्लेक्शन ऐसा इस डायरेक्शन में हो जाता है, तो उसको हम बोलेंगे कि डेफिनेटली वो जो पार्टिकल्स यहाँ से आ रहे हैं वो कौन से हैं, पॉजिटिवली चार्ज, और ठीक उसी तरीके से नेगेटिवली चार्ज। तो जब देखा गया कि इस कैथोड रे को एनालाइज किया गया मैग्नेटिक फील्ड से पास करा करके, तो ये देखा गया कि ये एकदम उधर ही जा रहे हैं जिधर अगर कोई नेगेटिव पार्टिकल होता तो जाके टकराता।
तो यहां से ये क्लैरिटी आया कि नहीं, ये जो चीज निकल रहा है इसमें से वो पॉजिटिवली नहीं बल्कि नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो बच्चों कैथोड रे है क्या? अब मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं, तो व्हाट इज कैथोड रे कंपोज्ड ऑफ? किससे मिलके बना है भाई, ये है क्या चीज आखिर? ये इतना सारा कहानी आपने सुना, एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं कि बच्चों डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में कोई गैस ले लिया गया, वो असल में कंडक्टिविटी चेक करना चाह रहे थे, देखा कि लोअर वोल्टेज पे कुछ हो ही नहीं रहा है, वोल्टेज बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, जैसे ही ये 10,000 वोल्टेज या उसके ऊपर लेके गए तो अचानक से देखा यहाँ से लाइट प्रोड्यूस हुआ। और बच्चों वो लाइट, और एक बात बता दे रहा हूँ, वो लाइट का जो प्रोडक्शन हुआ या जो कैथोड रे अपियर हुई वो लोअर प्रेशर में हुआ, हायर प्रेशर में नहीं, लो प्रेशर में। सो अगर मैं ऑब्जर्वेशन के बारे में लिखूं, तो ऑब्जर्वेशन के बारे में लिखूं, कैथोड रे ऑब्जर्वेशन, उसमें क्या क्या चीज ऑब्जर्व किया गया? सो नंबर वन पॉइंट, इट इज प्रोड्यूस्ड एट वेरी हाई वोल्टेज। वेरी हाई वोल्टेज, बहुत ज्यादा बैटरी, बहुत पावरफुल बैटरी लगाया तब हुआ। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि कैथोड रे को देखा गया, इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बात बता रहा हूं कि इसके ऑब्जर्वेशन में एक चीज ये भी है कि इट वॉज प्रोड्यूस एट लो प्रेशर। थर्ड, इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। फोर्थ, इट इज डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अभी आप सिंपल भाषा में ये समझ लो कि मैग्नेट अगर नॉर्थ साउथ पोल रख दिया जाए तो वहां मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और अगर प्लस और माइनस का प्लेट रख दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, साधारण भाषा में इतना समझ लो। तो ये उसमें डिफ्लेक्ट होता है, डिफ्लेक्ट होने का मतलब बच्चों कि कोई भी सीधा सीधा जा रहा है अगर फील्ड लगा लो तो चेंज कर लेता है अपना डायरेक्शन, डिफ्लेक्शन का मतलब ये हुआ, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो इतना सारा ऑब्जर्वेशन देखने के बाद, अब इसको नोट भी कर लीजिएगा आप लोग, इतना तो क्लियर हो गया कि नहीं कुछ तो था गैस के अंदर, कुछ तो था जो निकला और वो पार्टिकल था, और इतना भी समझ में आ गया कि ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो रहा है तो चार्ज है, और चार्ज है कैसा चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज है, यहां तक मालूम चला। लेकिन अब मैं पूछूं कि था क्या आखिर वो कैथोड रे? तो यस बच्चों बताइए कैथोड रे क्या था? तो बच्चों फिर से एक बार अपने पुराने चीज पे आते हैं, मैंने क्या बताया था आपको कि एटम हमारा इतना छोटा है कि हम इसको देख नहीं सकते हैं, और शायद यही एक कारण था कि जो भी ऑब्जर्वेशन डाल्टन साहब ने किया उनके हिसाब से उन्होंने ये प्रपोज कर दिया कि इसको तोड़ नहीं सकते हैं, ये एक न्यूट्रल चीज है, एटम इज न्यूट्रल, एटम इज इंडिविजिबल, एटम इज न्यूट्रल, राइट? और भी इनके कुछ पॉइंट्स थे, ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, बड़ा कॉमन सा पॉइंट है आज के टाइम के लिए, बहुत सिंपल पॉइंट है कि जैसे एलिमेंट मतलब O2 हो गया या O3 हो गया या आप यूं बोल लीजिए N2 हो गया या सोडियम सॉलिड,
इनके जितने भी एटम है, मतलब इसको अगर आप दो पार्ट में तोड़े तो ओ, ये सब एक ही चीज है, आइडेंटिकल है। इसको भी ब्रेक करें तो आप ओ ओ ओ, ये आइडेंटिकल है। तो एटम किसी एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे होते हैं, ठीक है, ये सब उन्होंने पॉइंट आउट किया था। खैर, इसके बाद हमने देखा कि यार जब हाई वोल्टेज लगा रहे हैं तो इन्हीं एटम्स में से ही तो कुछ टूट करके नेगेटिव निकल गया ना, और अगर कोई चीज नेगेटिव निकला तो डेफिनेटली डेफिनेटली उसके अंदर कुछ तो है। तो ये कुछ और नहीं बच्चों, ये स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कैथोड रे को अगर आपसे कोई पूछे, कैथोड रे कोई लाइट का सोर्स ना हो करके, कैथोड रे इज स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये मतलब यूं समझ लीजिए कि आप इलेक्ट्रॉन 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 बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन इनको समझ लेंगे, वैसे ही आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ रहे थे। इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है बच्चों? माइनस। वेरी गुड। सो अगर उन पे माइनस चार्ज होता है तो किधर की तरफ भागेंगे निकलने के बाद? ये प्लस की तरफ। नेगेटिव तो नेगेटिव से रिपेल होगा, हाँ, प्लस की ओर, यानी एनोड की तरफ। अच्छा, ये निकले कैसे होंगे? और क्वेश्चन अगला ये है कि इतने हाई वोल्टेज पे ये क्यों निकले भाई, शुरू में क्यों नहीं निकल गए ये? तो अब ठीक है, उस टाइम के हिसाब से हम आंसर नहीं दे पाते भाई। हम अगर शायद वो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते, अगर हमें नहीं मालूम होता ये सब कुछ होता है, तो हम आंसर नहीं कर पाते। क्योंकि अभी भी ये इलेक्ट्रॉन नाम मैंने बताया इसलिए क्योंकि आज के हिसाब से आपको मालूम है कि एटम में इलेक्ट्रॉन भी होता है। उस टाइम पे नहीं मालूम था लोगों को, तो उस टाइम में लोगों ने बोला कि यार कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। इस पे और भी एक्सपेरिमेंट हुए जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। फिलहाल 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 अगर आप देखो तो ये हाई वोल्टेज पे क्यों निकले भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि इतने हाई वोल्टेज पे क्यों निकले? इतने हाई वोल्टेज पे क्यों निकले? तो एक और चीज मैं आपको बता दूं बच्चों कि इस पे एक साइंटिस्ट थे, जे जे थॉमसन, ठीक है, आगे उनका मॉडल मैं बताऊंगा। जब उन्होंने उन्हीं नेगेटिव पार्टिकल्स को, ये जो नेगेटिव चार्ज जो पार्टिकल्स आ रहे थे, उन्होंने जब उसके बारे में और थोड़ा एग्जामिनेशन किया तो उन्होंने ये पाया कि ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, उसका जो स्पेसिफिक चार्ज है, अब मैं स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है ये वर्ड अच्छे से समझ लीजिए, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रे इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस टेकन इनसाइड। इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब ठीक है बच्चों, तो ये जो स्पेसिफिक चार्ज है, ये स्पेसिफिक चार्ज होता क्या है? व्हाट इज स्पेसिफिक चार्ज? सो माय डियर, द स्पेसिफिक चार्ज मींस क्यू बाय एम, ये होता है स्पेसिफिक चार्ज। बच्चों ये याद रखिएगा, कभी भी स्पेसिफिक वर्ड आए तो पर यूनिट मास है ये। So what is specific charge, my dear? मतलब क्या है? Charge per unit mass. Qm. ठीक है? ये value होता है। मतलब अगर मैं आपको short में एक दो example दूँ,
तो जैसे मान लीजिए ये कोई एक पार्टिकल था, उसका चार्ज मान लीजिए 1 कूलम था बेटा, और मास मान लीजिए 2 kg था, तो इसका q बाई m का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2 कूलम पर kg, 0.5 कूलम पर kg। तो स्पेसिफिक चार्ज का मतलब उसका चार्ज डिवाइडेड बाई मास। तो उन्होंने क्या देखा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस में से ये एक है, क्या देखा कि जो स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू है कैथोड रे का, वो इस बात पे डिपेंड ही नहीं करता है कि कौन सा गैस लिए। कहने का मतलब कि अगर आपने इसके अंदर ऑक्सीजन डाला और इसके जो पार्टिकल्स निकल के आए उसका ये वैल्यू देखा कि क्यू बाई एम कितना आ रहा है, फिर उसको हटा दिया ऑक्सीजन को, फिर उसके बाद नियॉन डाल दिया इसके अंदर, नियॉन का चेक किया तो देखा कि क्यू बाई एम बिल्कुल उतना ही आ रहा है जितना ऑक्सीजन के केस में आ रहा है, उतना ही नियॉन के केस में, फिर उसको भी हटा के निकाल दिया, फिर आर्गन को डाला अंदर। तो बच्चों जब देखा कि अलग अलग गैसेस डाल रहे हैं तो वैल्यू जो क्यू बाई एम की है वो बदल नहीं रही है, वो तो सेम ही रह रही है। यही एक ऑब्जर्वेशन था जो लोगों को फोर्स किया कि ओहो इसका मतलब ये है कि ये जो पार्टिकल आ रहे हैं कैथोड रे में, ये इस ऑक्सीजन में भी हैं, ये इस नियॉन में भी हैं, ये इस आर्गन में भी हैं। तो इसके बाद लोगों ने ये डिक्लेयर कर दिया कि जो भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आ रहा है वो सभी में है। और बाद में बच्चों इसी चीज का नॉमनक्लेचर मिस्टर थॉमसन ने किया, एक उनके यू कह लीजिए कि फ्रेंड थे जूलियस प्लकर, वो भी एक साइंटिस्ट थे, उनके एडवाइस पे उस पार्टिकल का नाम उन्होंने कैथोड रे के अंदर जो पार्टिकल्स हैं जो सभी एटम्स में मौजूद हैं उसका नाम उन्होंने इलेक्ट्रॉन रखा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का पहली बार नॉमनक्लेचर हुआ। इट वॉज सजेस्टेड बाई जूलियस प्लकर, नेम्ड बाई जॉन जे जे थॉमसन। और कैसे उन्होंने, और उन्होंने ये बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो हर जगह प्रेजेंट है, हर एक एटम में प्रेजेंट है। और जैसे ही उन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर मिल रहा है, उसी समय आपका जॉन डाल्टन का थियरी फेल हो गया कि एटम को नहीं तोड़ा जा सकता है, ये चीज एकदम गलत बात है। अच्छा, क्यू बाई एम का वैल्यू कैलकुलेट किया था उन्होंने, और जो मैंने आपको बताया कि क्यू बाई एम फॉर कैथोड रे इन साइड द डिस्चार्ज ट्यूब डज नॉट डिपेंड। ठीक है, सो अब समझ में आया कि कैथोड रे है क्या, सर स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, ये जो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो सर हाई वोल्टेज पे क्यों निकला, ये लोअर वोल्टेज पे क्यों नहीं निकल रहा था, तो उसके पीछे कारण ये इलेक्ट्रॉन कोई फ्री थोड़ी ना था। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ थे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ थे, एटम्स। ये मान लीजिए कि अगर मैं हीलियम ले लेता हूं, तो हीलियम में क्या होता है बेटा, 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं हीलियम का रफली स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं आज के परिपेक्ष में, उस टाइम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आज के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, कि अगर मैं उसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो हमारे पास PPNN ऐसा आ जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 मास नंबर 4 होता है बेटा, तो ऐसा आ जाएगा। अब आप खुद बताइए, अगर आप इसको देखने की कोशिश करिए तो आपको नहीं लग रहा है कि सर इलेक्ट्रॉन कोई फ्री थोड़े ही है, न्यूक्लियस से उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, न्यूक्लियस के वो चारों तरफ घूम रहा है, न्यूक्लियस के तरफ से उस पे फोर्स लग रहा है, ये जो न्यूक्लियस है वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन को कोई अपनी तरफ खींच रहा हो तो आप उसको निकाल कैसे सकते हो, उसको निकाल तभी पाओगे जब आप बाहर, इससे बाहर खींचने वाला जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा कर दो। और ये जो फोर्स बाहर वाला लग रहा है बच्चों, वो कौन लगा रहा है, ये जो बैटरी है ना, इससे जो प्लस 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 आ रहा है या नेगेटिव 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 आ रहा है, यही वो बैटरी ही उसको फोर्स लगाने पे मजबूर कर रहा है। और कितना वैल्यू होता है आगे चल करके आप फिजिक्स में पढ़ेंगे इसके बारे में, कि जो फोर्स लगने वाला है किसी इलेक्ट्रॉन पे, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और इधर इलेक्ट्रॉन पे अंदर की तरफ न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट कर रहा है, बाहर की तरफ कौन अट्रैक्ट कर रहा है बेटा, क्यू इंटू ई, ये फोर्स होता है। और क्यू का वैल्यू कितना है, ये क्यू का वैल्यू कितना है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंटू ई।
और ये जो E का वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करता है? E का मतलब बेटा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये आगे आप पढ़ोगे, घबराओ मत, कि किसी भी चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में उसका चार्ज मल्टीप्लाई बाई E के बराबर फोर्स लगता है। अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाले की तरफ लगेगा, और अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा। और ये जो E का वैल्यू है बच्चों, ये प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। तो इसलिए जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाते हो, E बढ़ता जाता है। E बढ़ेगा तो बाहर लगने वाला फोर्स बढ़ता जाएगा। तो शुरू शुरू में ये जो फोर्स जो अंदर वाला था वो बहुत ताकतवर था, लेकिन जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, तो इधर वाला जो लगने वाला फोर्स है जैसे ही थोड़ा एक्सीड किया बच्चों, तो इधर से ये निकल गया। अच्छा, इसके अलावा और भी कारण होते हैं कि एक एटम दूसरे एटम से टकरा जाए, उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाए। खैर, वो एक बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट फिनोमेना है। तो मेनली आप यूं समझ लो कि जो इतना स्ट्रांगली फोर्स हम उस पे लगा रहे हैं, उसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन हाई वोल्टेज पे क्यों निकलते हैं? क्योंकि इजेक्ट एट हाई वोल्टेज। क्यों ऐसा होता है? ड्यू टू इट इज बाउंडेड विथ पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, या बाउंडेड के बजाय अगर आप और अच्छा वर्ड होगा अगर आप बोलें, इट इज स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड बाई द न्यूक्लियस। सब लोग लिख रहे हैं ना साथ साथ? यस सर। यही एक कारण था कि उसको हाई वोल्टेज पे निकला। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये डाउट नहीं आ रहा है, सर लाइट कैसे आया होगा? सर चलिए, ये तो समझ में आ गया, लेकिन लाइट कैसे आया होगा? तो बच्चों एक बात बताइए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन आप निकाल दे रहे हैं तो बाकी बचा हुआ जो पार्ट है एटम्स का, क्या उस पे जाकर के वो टकराता नहीं होगा? और आप खुद सोचिए कि अगर बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी में कोई चीज दूसरे चीज से टकरा जाए तो वहां से एनर्जी का लॉस होगा, और वो एनर्जी का लॉस अगर विजिबल रेंज में आ जाए बच्चों तो लाइट उत्पन्न हो जाएगा। तो ये जो चीजें हो रही हैं, ये जो लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, ये लॉस ऑफ एनर्जी के वजह से, ड्यू टू कोलिजन्स, जो एक दूसरे में जाके टकरा जा रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है बाकी दूसरे एटम से टकरा जा रहे हैं, अदर इलेक्ट्रॉन यहाँ से टकरा जा रहे हैं या इन दीवालों से जाके टकरा जा रहे हैं, इनके वजह से बच्चों वो लाइट अपीयर हो रही है। सो एनीवे, अब आपको ये समझ में आ गया कि कैथोड रे था क्या। अच्छा बच्चों, जैसे ही दिमाग में आया, सबके यहाँ तक नोट कर लिया सब लोगों ने, तो मैं आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। हाँ प्लीज नोट करिए, जल्दी नोट करिए, एक मिनट का टाइम दूंगा। हो गया सर। हाँ सर। ठीक है बच्चों, ये सारे एक्सपेरिमेंट के बाद अगर आप ध्यान से देखिए तो एटम जो कि न्यूट्रल है, अगर उसमें से कोई चीज निकल के आ रहा है जिसका नाम इलेक्ट्रॉन है और जो नेगेटिव चार्ज है, और कोई पहले से न्यूट्रल हो, कोई पहले से न्यूट्रल हो और उसमें से अगर नेगेटिव निकल गया, इसका मतलब ये क्या बच गया होगा बच्चों? ये कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। बिल्कुल। तो साइंटिस्ट लोगों ने ये सोचा, यार अगर इसमें से कोई नेगेटिव चीज निकल के जा रही है बाहर, तो जरूर जो बचा हुआ है वो भी तो कहीं ना कहीं जाएगा। तो
अब इसको कैसे डिटेक्ट किया जाए, इसके प्रॉपर्टी को कैसे मेजर किया जाए, ये आखिर क्या चीज है? क्योंकि देखिए आज आपको मालूम है, ठीक है, आज आपको मालूम है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ये, उस टाइम पे जिन्होंने हमें पहली बार बताया, जिनको ये भी नहीं मालूम था कि एटम के अंदर कुछ पार्टिकल्स भी होते हैं, वो तो डाल्टन साहब को ही मान रहे थे कि वही करेक्ट बता के गए, उनको तो ये नहीं मालूम था, तो उनको हर चीज एक्सपेरिमेंट करके देखना था कि इसमें क्या आ रहा है आखिर। तो उन्होंने बच्चों ये एक्सपेरिमेंट एक किया जिसको हम एनोड रे के नाम से जानते हैं। तो एनोड रे, अब उसको डिटेक्ट कैसे किया जाए? तो एनोड रे के बारे में किया क्या कि फिर से वही डिस्चार्ज ट्यूब ले लिया, लेकिन थोड़ा दिमाग लगा दिया, बोला कि एक काम करते हैं, ये जो एनोड रे था इसके अंदर एक बड़ा सा होल क्रिएट कर दो, पोरफोरेटेड, और ये जो कैथोड था, सॉरी ये जो कैथोड था इस पे पोर क्रिएट कर दो, पोरफोरेटेड कैथोड बना दो, मतलब इसके बीच में गैप, मतलब यूं समझ लीजिए कि अगर प्लेट ऐसा रखा है तो बीच में इतना काट के निकाल दीजिए। तो ये जो पोर क्रिएट कर दिया, उसके पीछे कारण क्या था? वो चाहते थे कि जो पार्टिकल पॉजिटिव है वो इसके अंदर से निकल करके जाए, और यहां जो ये जो था, ये जो इसका वॉल था, ट्यूब का जो वॉल था, इसको उन्होंने ZnS कोटेड कर दिया। अच्छा बच्चों, अभी मैं आपको इसकी प्रॉपर्टी बता दूं, किसी भी मटेरियल को अगर आप ZnS से कोट कर दो, ZnS एक फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है। फ्लोरोसेंट मटेरियल का मतलब, अगर आपका कोई भी चीज जो कि आपको दिखाई नहीं भी दे रहा है, ऐसा भी पार्टिकल आके इस पे टकरा गया, तो इसमें से लाइट जैसा चमक आने लगेगा, सिंटिलेशंस उसको बोलते हैं, सिंटिलेशंस आने लगेंगे, इस पे चमक आने लगेगा, उस चमक से आप देख पाएंगे कि अच्छा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कुछ तो आ रहा है, यहाँ जो लाइट आएगा उससे आपको ये मालूम चलेगा कि कुछ तो हो रहा है। सो बेसिकली इट इज अ फ्लोरोसेंट मटेरियल, जिसके वजह से हम ये पता कर पाते हैं, जो चीज हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है वो अगर इस पर टकरा जाए तो यहाँ के लाइट से हमें मालूम चलता है कि अच्छा कुछ तो लड़ा है, यहाँ पे कुछ तो कोलाइड किया है। तो जब ये पोर क्रिएट कर दिया तो हुआ क्या बच्चों? तो जैसे जैसे आपके जो इलेक्ट्रॉन थे वो इधर की तरफ अगर मूव कर रहे थे बच्चों, तो जो पॉजिटिव था वो इधर की तरफ मूव कर रहा था। इलेक्ट्रॉन आपका इधर की तरफ मूव कर रहा है तो पॉजिटिव इधर की तरफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर आपका इधर की तरफ मूव कर रहा है बेटा तो पॉजिटिव इधर की तरफ, और यही पॉजिटिव धीरे 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 यहां से क्रॉस करके, यहां से क्रॉस करके यही पॉजिटिव रुकने वाले तो है नहीं, ये जा करके इस दीवार पे जैसे ही लड़ेंगे यहाँ पे सिंटिलेशन आएगा। सुनाई दे रहा है बच्चों? तो ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, ये जब जैसे ही जा करके वहां पे टकराएंगे तो यहाँ सिंटिलेशन आते हैं। जिसको फ्लैश बोल लो या स्पार्कल ऑफ लाइट बोल लो, ठीक है, सिंटिलेशन और फ्लैश और स्पार्कल ऑफ लाइट, इज प्रोड्यूस्ड व्हेन पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल हिट, कहां पे हिट कर रहा है? ZnS कोटेड बॉल, हिट ऑन ZnS कोटेड वॉल। तो बच्चों ये जो ZnS से कोटेड वॉल था, इस पे अगर ये हिट कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंटिलेशंस या लाइट
या फ्लैश ये प्रोड्यूस होता था इसी को देख करके, इसको मतलब बहुत ही माइक्रोस्कोप से देख करके ये बताते हैं कि अच्छा यहाँ लड़ा कुछ चीज, तो मतलब कुछ तो कुछ आया। तो ये देखिए आप साइंटिस्ट का दिमाग देखिए कैसे उन लोगों ने ये सारा चीज अरेंज किया कि जैसे ही, जैसे अगर कोई नेगेटिव चीज इधर आके लड़ रही है तो वैसे पॉजिटिव चीज डेफिनेटली उधर जानी चाहिए, और इसी पॉजिटिव को क्या बोल दिया एनोड रे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एनोड रे है क्या बच्चों, व्हाट इज एनोड रे, जैसे आप कैथोड रे को जान गए, वैसे मैं पूछूं कि एनोड रे क्या है? प्रोटॉन सर, इट इज अ स्ट्रीम ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन, अच्छा कैरेक्टरिस्टिक आप सभी के हिसाब से प्रोटॉन है पॉजिटिव। हाँ हाँ प्रोटॉन तो पॉजिटिव ही होता है ना, तो एनोड रे का कॉम्पोजिशन क्या है, आखिर एनोड रे क्या है बच्चों, क्या ये प्रोटॉन है? बच्चों ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। सारे पॉइंट रिपीट हो जाएंगे, ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये भी शैडो कॉज करता है, कॉजेस शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। और क्या करता है ये भी बच्चों, डिफ्लेक्ट होता है, डिफ्लेक्ट्स इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। डिफ्लेक्शन होता है बच्चों, राइट? सो ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, कॉजेस शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, डिफ्लेक्ट्स इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैं आपसे पूछूं कि आखिर ये है क्या चीज, आखिर ये है क्या, आपको इससे समझ में आया तो क्या है, व्हाट इज एनोड रे? तो आप सभी लोग ये बोलना चाहते हो कि ये प्रोटॉन है, आखिर ये है क्या चीज, व्हाट इज एनोड रे कंपोज्ड ऑफ। सो प्रोटॉन कितने लोग बोल रहे हैं वो हाथ उठाए, सर एनोड रे कुछ और नहीं बल्कि प्रोटॉन है, प्लीज रेज योर हैंड। शिवम और सौम्य और अंकिता, इतने लोग, तीन, अच्छा और लोग भी हैं, मणिदीप, यस यार, मुस्कान, कुमुद, आपके हिसाब से क्या है भाई कुमुद? सूरज, कमल, प्रोटॉन है, आपके हिसाब से भी प्रोटॉन है। सूरज, यस सर, प्रोटॉन, प्रोटॉन, मतलब सारे लोग प्रोटॉन ही बोल रहे हैं, ठीक है, सारे लोग प्रोटॉन बोल रहे हैं। और करेक्ट आंसर इसका एक और ऑब्जर्वेशन आया तो मैं आपको अभी बता दूं। हाँ जी बोलिए सर, इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। वेरी गुड, दैट इज देयर, वो तो बिल्कुल सही है, आखिर मैं पूछूं तो है क्या चीज, क्या वो प्रोटॉन है? न्यूट्रॉन नहीं है सर, नहीं है। अच्छा ठीक है, इस पे आते हैं हम लोग, ज्यादातर लोग बोल रहे हैं कि है, आप बोल रहे हैं नहीं है, तो इस पे बात करते हैं। फिलहाल कैरेक्टरिस्टिक में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे ऐड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, वो क्या है कि एनोड रे में ये खास बात देखा गया, द वैल्यू ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक चार्ज, याद है ना सबको स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, क्यू भाई, एम, यस, इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैस। इस बार सबके लिए बदल जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? कारण एक बच्चे ने बिल्कुल सही बताया कि सर आप ऐसे देखिए ना कि जब आप हीलियम बात कर रहे हैं तो बच्चों, अगर आप हीलियम की बात करो तो हीलियम के अंदर तो सब कुछ है ना,
क्या क्या है इसके अंदर? सर इसके न्यूक्लियस में हमारे पास टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन है, और इसके बाहर में हमारे पास क्या है? टू इलेक्ट्रॉन। अगर सर इसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकाल भी दीजिए तो भी अभी हमारे पास क्या बचा हुआ है? सर वन इलेक्ट्रॉन, टू प्रोटॉन एंड टू न्यूट्रॉन बचा हुआ है। ये ओवरऑल पॉजिटिव जरूर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये प्रोटॉन है, बल्कि ये कलेक्शन ऑफ सब कुछ है। ये इसमें तो सब कुछ है भाई, इसमें इलेक्ट्रॉन भी दिख रहा है, इसमें प्रोटॉन भी है, इसमें न्यूट्रॉन भी है। तो ये कुछ और नहीं बल्कि ये हीलियम आयन है। तो बच्चों ये जो He प्लस था, ये जो He प्लस है यही एनोड का कॉम्पोजिशन है, और ये किसका कॉम्पोजिशन था? कैथोड रे। अगर आप दूसरा गैस लीजिए बच्चों, आप देखिए ध्यान से समझिएगा बात को। अगर आपने O2 गैस ले लिया तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद क्या बच गया? वो O2 प्लस। ये क्या है? यही एनोड का कॉम्पोजिशन है, ये कैथोड रे का कॉम्पोजिशन। अब आप खुद देख लीजिए। अब बताइए अगर मैं पहले वाले के लिए यानी हीलियम गैस के लिए अगर मैं क्यू बाई एम निकालूं, तो क्या आपको मास मालूम है हीलियम का? बिल्कुल सर, हीलियम का मास मालूम है। कितना होता है बच्चों? 4 mu। और सर उसका चार्ज मालूम है? हाँ सर, कितना? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अच्छा, इसका क्यू बाई एम निकालना हो तो ऑक्सीजन का, तो सर चार्ज तो इस पे भी उतना ही है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, लेकिन जो मास है इसका कितना हो गया? 32 mu। समझ में आ रहा है बच्चों? Yes. तो दिख रहा है कितना अलग हो गया? Yes. ये दोनों डिफरेंट है। Yes, sir. ये दोनों डिफरेंट है। अब अच्छा मैं पूछू, इसमें आंसर है सर हीलियम, ऑक्सीजन का वैल्यू कम। समझ में आया? तो एनोड रे क्या था बच्चों? एनोड रे कुछ और नहीं सर, इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स। सो फॉर Hg गैस Hg प्लस, आयन फॉर O2 गैस सर O2 प्लस आयन, फॉर N2 गैस N2 प्लस आयन। तो सर जो जो आप ले रहे हैं उसके हिसाब से बनता जा रहा है। ये कैथोड का एनोड रे का कॉम्पोजिशन है, बदल रहा है। और जबकि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बच्चों, वो तो सभी में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो सबका पार्ट सेम है। यही क्या था हमारा? कैथोड रे का कॉम्पोजिशन। क्लियर हुआ? अब इस पे एक मैं क्वेश्चन दूं, करोगे आप लोग? इसको नोट कर लो अच्छे से। सर कर लिया, नोट हो गया सभी लोगों से? हो गया सर। वेरी गुड। ये भी नोट कर लिया सबने? नोट कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस पर सोचिए सब लोग। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सब लोग सोचिए।
increasing order of specific charge value. और कितना है Q by M specific charge value for anode rail. Anode rail of different कौन सा गैस दे रहा हूं बच्चों मैं आपको दे रहा हूं हीलियम नियॉन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इन चारों के लिए आपको एनोड रे का जो स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू है उसके हिसाब से आपको इंक्रीज करना है करिए फटाफट इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है